क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सीएम योगी का दो दिवसीय गोरखपुर दौरा, सीएम रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी में होंगे शामिल। लखनऊ में एलडीए का बड़ा एक्शन, 7 मंजिला इमारत का ध्वस्तीकरण शुरू। लखीमपुर खीरी में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा बाल दिवस, छात्रों ने खाने पीने की चीजों के लिए लगाए स्टॉल। उन्नाव में पुलिस ने सुलझाई मर्डर की गुत्थी, दलित युवती की रेप के बाद हत्या। पीएम के भाई पहुंचे सुल्तानपुर, विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश सचिव के घर प्रहलाद मोदी। नमस्कार, मैं उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज सीएम योगी रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी में शामिल हुए। आपको बता दें कि कृषि विभाग द्वारा रबी गोष्ठी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी शामिल हुए। इसके साथ ही कृषि उत्पाद आयुक्त, 4 मंडल के अधिकारी और किसान भी शामिल हुए। किसानों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई। आपने रबी गोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों के महत्वपूर्ण सुझावों और अनुभवों को सुना होगा। आप में से बहुत सारे किसान अपने इस अनुभव से स्वयं भी जानकारी रखते होंगे और उसको साझा करते होंगे। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और खेती किसानी यहां पर आमदनी का एक प्रमुख जरिया रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि देश की और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि भी और सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास मौजूद है। लखनऊ में एक तरफ अवैध निर्माणों की कतार लगी है, तो वहीं विकास प्राधिकरण भी लगातार इन अवैध इमारतों पर कार्रवाई कर रहा है। हजरतगंज थाना क्षेत्र के बालूअड्डा इलाके में यजदान बिल्डर्स द्वारा बनाई गई 7 मंजिला इमारत को एलडीए ने ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारी पुलिस बल के साथ एलडीए के वरिष्ठ अधिकारी यजदान बिल्डर्स के अवैध बनी बिल्डिंग पर पहुंचे और वहां पर ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू किया। जो मेरे संज्ञान में मेरे कार्यकाल के बाद देखा गया, उसमें उसके पहले भी ध्वस्तीकरण हुआ था। पूर्व वीसी के कार्यकाल में ध्वस्तीकरण कराया गया था, लेकिन पूरे बिल्डिंग के कुछ भाग को जितना तोड़ा जा सकता उतना तोड़ा गया, लेकिन पूरी की पूरी ध्वस्तीकरण को 100% अंजाम देने के लिए आज से काम शुरू किया गया। सर, सवाल ये है कि लगातार प्राधिकरण की तरफ से ऐसे तमाम जगहों पर जहां पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, जहां पर नोटिस जारी होता है, सीलिंग के आदेश होते हैं, लेकिन धरातल पर कार्रवाई नहीं होती और उसका नतीजा ये कि इतने बड़े अपार्टमेंट बन जाते हैं और लोगों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ढेर सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं धरातल पे। पिछले 4 महीनों में मैक्सिमम सीलिंग की कार्रवाई की गई है, अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है, FIR भी दर्ज कराई गई हैं। तो ये कार्रवाई अनवरत प्रक्रिया है और जैसे लोग उल्लंघन करते हैं उसी तरह से हम लोग कार्रवाई करते हैं, जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा एक बार फिर से बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त हम बालू अड्डे लखनऊ हजरतगंज थाना क्षेत्र यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने यजदान बिल्डर जो हैं, इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी 2015 में। उसके बाद से लगातार जो है एलडीए इनको नोटिस देता गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल भी मौजूद है, मीडिया का हुजूम भी है और बिल्डिंग तकरीबन 8 माले की है और इसे लगातार सुबह से तोड़ा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि 2015 में ये निर्माण शुरू कराया गया यजदान बिल्डर द्वारा। यहाँ पर तकरीबन 38 फ्लैट हैं और यहाँ के जो फ्लैट्स हैं तकरीबन सबकी
रजिस्ट्री हो चुकी है और यहाँ पर जो बायर्स हैं, जो ख़रीदार करता हैं, वो भी यहाँ पर रहना शुरू कर चुके थे, लेकिन उन्हें सुबह तकरीबन तड़के यहाँ से हटाया गया, निकाला गया, पुलिस द्वारा निकाला गया। उन्हें यहाँ से एक वार्निंग दी गई कि आप यहाँ से हट जाइए। पुलिस बल यहाँ पर, भारी पुलिस बल मौजूद है और तमाम जो मीडिया के लोग यहाँ भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार यहाँ पे भारी हुजूम पुलिस का, मीडिया का है, लगा हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है कि LDA अब तक तकरीबन कुल मिला के 6-7 साल हो गए हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग यजदान बिल्डर ने बना दी, उसके बावजूद भी ये LDA अब तक नहीं जागा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल होता है LDA के ऊपर भी, और LDA के जो अधिकारी हैं उन पर भी बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि सालों हो गए, और शायद अगर सालों ना होते तो कुछ दशक भी हो जाते, लेकिन LDA कार्रवाई नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो LDA ने कार्रवाई की है, लेवाना अग्निकांड हुआ उसके बाद LDA लगातार जागा है। LDA ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, बहुत बड़े स्तर पर जो होटल्स हैं, जो बिल्डिंग हैं, तमाम जगह हैं, वहाँ पर LDA ने अपनी छापेमारी की, और उसके बाद वहाँ के जो मकान हैं, जो अवैध निर्माण है, उनको बंद कराया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने साल हो गए, इसके बावजूद भी जो अभी हाल ही में हमारी बात हुई थी, ज्ञानेंद्र वर्मा हैं, अपर सचिव हैं LDA के, उन्होंने ये कहा कि जो है लगातार जो बिल्डर को नोटिस दिया जा रहा था। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि क्या नोटिस देना ही एकमात्र LDA का काम है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिना अधिकारी के, बिना कर्मचारी के, LDA के बगैर नोटिस किए ऐसा काम नहीं हो सकता। 7-8 मंजिला इमारत खड़ी हो जाती है, उसके बाद भी LDA नहीं जागता। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब LDA जो है, जो बायर्स हैं, 38 फ्लैट हैं यहाँ पर, उनकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है, क्या LDA उनको मुआवजा देगा, या फिर LDA ऐसे ही लापरवाही करता रहेगा। कैमरामैन नीरज के साथ सागर थापा, टाइम टीवी, लखनऊ। चंदौली में जनपद में बाल दिवस के अवसर पर दशरथ इंटर कॉलेज धरौली में आयोजित विज्ञान और कला वर्ग के छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विषयों पर छात्रों ने आकर्षक प्रदर्शनी लगाई। आयोजित प्रदर्शनी में प्रबंधक और प्रिंसिपल द्वारा अवलोकन किया गया। छात्राओं ने इस प्रदर्शनी में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और विभिन्न प्रकार के बादलों को चार्ट पेपर पर बनाकर छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा और विज्ञान में अपनी रुचि का प्रदर्शन किया। बताइए इसके बारे में, क्या बनाइए? पवन चक्की से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, या गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, और यांत्रिक ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इसे घर में बिजली के रूप में काम करते हैं। इस पवन चक्की की लंबाई 90 मीटर होती है, यदि 30 मीटर और बढ़ा दी जाए तो ये 12-15% आज कैसा कार्यक्रम है विद्यालय में, क्या रूपरेखा है? आज विद्यालय में बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम विज्ञान प्रदर्शनी के और बाल दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों ने अपनी कला का सुनहरा बढ़िया से इसको किया है। आगे भविष्य में बच्चों को लिए क्या शुभकामनाएं दी जाए? आगे भविष्य में बच्चों के लिए बड़ा ही उनका उज्ज्वल भविष्य हो, और इसी तरह से अपने कार्य में, क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, और हमारी शुभकामनाएं और विद्यालय की शुभकामनाएं बच्चों के साथ हैं। मैं कक्षा 11 की विज्ञान की छात्रा हूँ, और मैं श्री दशरथ इंटर कॉलेज धरौली चंदौली विद्यालय में पढ़ती हूँ। ये आपने प्रदर्शनी में रॉकेट बनाया है, क्या इसके बारे में विशेषता थोड़ा बताइए? सर रॉकेट ये हम उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है, और उपग्रह जो होता है मौसम के बारे में हमारे देश को जानकारी देता है। स्कूलों में आज बाल दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में लखीमपुर खीरी में भी कैंसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज में भी बड़े ही धूमधाम के साथ बाल दिवस मनाया गया, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ उनके परिजन और कॉलेज के समस्त स्टाफ ने बच्चों के साथ मिलकर, आपको बता दें कि कॉलेज परिसर में छात्र छात्राओं ने खाने पीने की चीज़ों की अलग अलग तरह के स्टॉल लगाए और बच्चों के अधिकार और शिक्षा को जागरूक किया। आज प्रोग्राम बालकों के समक्ष में है रखा गया है, क्योंकि ये बाल दिवस
एक बच्चों की खुशियों का एक उमंग भरा जो है त्यौहार की तरीके से आता है हम सबके बीच में। तो हमारा कॉलेज ये जो त्यौहार है ये बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाना जानता है, और उसी पार्टिसिपेट में हमारे प्रिंसिपल साहब हाजी साहब ने ये आयोजन करवाया है बाल मेले का। उस मेले में कई लोगों ने, कई बच्चों ने तरह तरह की जो है दुकानें भी लगाई हुई हैं। क्या मनाया जा रहा है? तो काहे की स्टॉल लगाई है आपने? लखीमपुर खीरी में सदर कोतवाली में TSIC संजीव कुमार तोमर ने यातायात को लेकर लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में पूरे जिले में यातायात अभियान को चलाया गया है। इसी को लेकर नौरत गांव में चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस बाइक सवार लोगों को रोक रोक कर हेलमेट, सीट बेल्ट नियमों के बारे में बता रही थी। साथ ही ये भी कहा कि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में फजलगंज थाने में दरोगा पद पर तैनात ब्लैकमेलिंग से परेशान दरोगा ने सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि दरोगा काफी दिन से परेशान था, जिसके बाद उसने जहर खा लिया। परिजनों ने दरोगा को अस्पताल में भर्ती कराया है, लेकिन दरोगा का इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों ने कहा अंतिम संस्कार के बाद FIR दर्ज कराएंगे। यह एक दुखद घटना है और कानपुर पुलिस परिवार के लोगों के साथ है। जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो की जा रही है और इस पूरे घटना के संबंध में सभी तथ्यों का निरीक्षण परीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हमें देखने को कभी न मिले। कानपुर में बर्रा थाने में जुआरी से सम्मान कराने वाले दो दरोगा को सस्पेंड किया गया। आपको बताते चले कि बर्रा थाने की पुलिस ने जिस जुआरी को एक महीने पहले छापेमारी करके जुआ खिलवाते पकड़ा गया और जेल भेजा था, उसी से चौकी इंचार्ज और थाने के दरोगा अपना सम्मान करा रहे थे, जिसके बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। साथ ही दोनों दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। इस घटना को हमने संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्यवाही की है। पुलिस आयुक्त महोदय ने इस पर स्पष्ट निर्देश दिया कि इस तरह की चीज़ें स्वीकार नहीं की जा सकती। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये अपराधी होने की बात कही गई है, वो व्यक्ति गिरफ्तार करके उसे थाना क्षेत्र से जेल भेजा जा चुका है। बाकी विस्तृत जांच के लिए एडिशनल DCP साउथ अंकिता शर्मा को यह पूरा प्रकरण दिया गया है और जांच को प्रभावित किसी भी रूप में ये लोग वहां पे पद पर रहते हुए ना कर सकें, इसके लिए उन्हें। सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी धनपतगंज ब्लॉक में स्थित माधवपुर ग्राम सभा में जितेंद्र तिवारी के घर पहुंचे। परिवार के लोगों के साथ साथ क्षेत्रवासियों ने आरती उतार कर स्वागत किया। उन्होंने परिवार जनों से मिलकर उनका हाल चाल जाना। बताते चले कि जितेंद्र तिवारी विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश सचिव हैं। उनके बड़े भाई सत्येंद्र तिवारी का कुछ दिन पहले लखनऊ से हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, जिसके चलते प्रहलाद मोदी जितेंद्र तिवारी के गांव पहुंचे थे। हमारा संगठन भारत सरकार से वार्तालाप भी करता है। 2 अगस्त को हमने धरना प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर, उसके बाद भारत सरकार इस बाबत में अब थोड़ा कुछ सोचने का काम शुरू हुआ है। आशा करते हैं कि हमारी आय बढ़ाने के नए नए प्लानिंग भारत सरकार ने हमारे सामने रखे हैं।
खबर उन्नाव से है, जहां कुछ दिन पहले घर में खून से लथपथ मृत अवस्था में दलित युवती का शव मिला था। वहीं अब पुलिस ने मौत की गुत्थी को सुलझा लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ की। आरोपी ने बताया कि दलित युवती की रेप के बाद हत्या की गई थी। आरोपी और मृतका की एक दूसरे से 2 साल से दोस्ती थी। वारदात के दिन युवती घर पर अकेली थी, तभी आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। कोतवाली सदर पर 906/22 302/376 का भी पंजीकृत किया गया था। इसमें एक युवती थी जो अपने घर पर अकेली थी, तो उस मौके का फायदा उठाकर उसका पूर्व से जानने वाला परिचय था वो घर पर आया, उसके द्वारा इस कृत्य को अंजाम दिया गया। जबरदस्ती उसके साथ जबरदस्ती की गई और वो रामबरन और राज गौतम है जो कि रावतपुर का रहने वाला थाना मा के अंतर्गत, इसका नाम प्रकाश माया और फिर इसके सर्वलास के माध्यम से कनेक्ट भी हुआ कि ये वहाँ पर गया था और चूंकि पूर्व से परिचित था तो इसको इजीली एक्सेस वहाँ मिल गया था, तो उसी का ऐसा फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम। औरैया जिले में दिव्यापुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में एक रोती बिलखती बुजुर्ग माँ चीख चीख कर अपनी आपबीती बता रही है और चारों तरफ लगी भीड़ और पुलिस से अब न्याय की उम्मीद लगा रही है, क्योंकि जिस बेटे को पुलिस कुछ दिन पहले परेशान कर रही थी वह इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। आपको बता दें कि बेटे ने अपनी मौत से पहले अपने पिता को व्हाट्सएप मैसेज भेजा था। मैसेज में बेटे ने परेशान होने की बात लिखी थी और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली और अब पीड़ित परिवार अपने बेटे को न्याय दिलाने की गुहार पुलिस से कर रहा है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच की बात कह रही है। ये 12:13 की रात्रि को एक युवक है, ग्राम उमरी थाना दिव्यापुर के अंतर्गत अमित बाथम, इनका शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल सूचना पर थाने की पुलिस सीओ साहब स्वयं ये मौके पर गए, वहाँ पे पूछताछ की गई, बॉडी को कब्जे में लिया गया और सभी साक्ष्य संकलित किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके हैंगिंग आया है। मृतक के परिवार के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसपे तहरीरी सूचना पर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम उत्तर प्रदेश। नमस्कार।